हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। सबसे पहले यहाँ पर नेवी एमआर स्टूडेंट के लिए ये खास क्लासेज हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है नेवी एमआर की तैयारी करेंगे उनको यहाँ पर नहीं पता होता कि साइंस के कैसे क्वेश्चन आएंगे, और वे अटकते भी साइंस के क्वेश्चन में, क्योंकि उनको साइंस से वो प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ी होती। जैसे कि हमारे कई बच्चों ने कॉमेंट किया और एनालिसिस के आधार पर हमने, हमारी टीम ने जब देखा तो बार बार साइंस की क्लास सर लेके आओ, साइंस की क्लास लेके आओ, जहाँ पर भी देखो सर मैथ की लेके आओ। तो आज साइंस की डेमो क्लास आ चुकी है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन है वो प्रोवाइडेड किए जाएंगे और सूत्र इंपॉर्टेंट वो भी प्रोवाइडेड किए जाएंगे, जिससे आपका 99% क्वेश्चन इन्हीं सूत्रों से पूछा जाता है, ठीक है। और इन्हीं से यहाँ के आपके सवाल आते हैं और डेमो के आधार पर बताया जाएगा कि जो 2018 से और 2020 तक अब तक जो भी क्वेश्चन लगभग कैसे क्वेश्चन कैसे टाइप के आपके लगभग 11 से 12 क्वेश्चन है वो नेवी एमआर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं से रिलेटेड आसपास से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेवी एमआर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जीके की क्लास कंटिन्यू चल रही है और 15 क्लास वहां पर हो चुकी है, 15-16 क्लास, और आज डेमो क्लास साइंस की लेके आए हैं और लाइव क्लास है। कमेंट किया करो, सारी चीजों को अच्छी तरह समझाया करो, एनालिसिस किया करो। इंपॉर्टेंट क्लास है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर नेवी एमआर क्वेश्चंस। सारे जो भी इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 से 2020 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे, और 2021 बैच में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे अलग कैसे पूछे जाएंगे सारे डिस्कस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नेवी एमआर में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, श्योर बैच हमारा 50/50 का यहाँ पर एडवांस बैच ये चल रहा है, और इसमें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइव सेशन से कंटिन्यू जुड़ जाइए। यहाँ पर डेली फ्री आपको पीडीएफ अब दिया जाएगा, जैसे ही ये क्लास खत्म होती है टेलीग्राम लिंक पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लाइव चल रही है, ठीक है। जैसे ही वीडियो खत्म होती है तुरंत आपको टेलीग्राम पे आपका जो लिंक आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़े से सूत्र हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है बल से संबंधित W=FS से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। दूसरा ऊर्जा बराबर बल गुणा दूरी से, तीसरा गति बराबर दूरी अपॉन समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर वेग बराबर विस्थापन बटे समय के ये सूत्र है, जो कि ये सारे सूत्र आप देख सकते हो दिए गए हैं। विद्युत क्षेत्र के दिए गए हैं, प्रतिबल के दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी सूत्र आपको याद करने हैं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ये सूत्र आप सीधा याद करना है, जो कि F=ma जो कि न्यूटन का नियम है। तो आपको क्या है, ये सारे सवाल आपको सारे सूत्र याद करने हैं, जो कि लगभग 20 सूत्र है और इन्हीं से लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू जवाब देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सभी नेवी एमआर में, बार बार कह रहा हूँ, 2018 से 2020 तक पूछे गए सवाल है। नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट यूट्यूब पर इसी पर प्रोवाइडेड की जाती है, और सारी एजुकेशन लेवल से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड की जाती है। सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, इसका वेग कितना है, यहाँ पर 2 m/s है, तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या है। आपको पता है नेवी एमआर के एग्जाम में लगभग 2018 से 2020 तक लगभग, जैसे 8 shift होती है, तो उसमें लगभग 2 shiftों में ये सवाल ऐसा करके पूछा जा सकता है, जो कि पूछा जाता है कि गति ऊर्जा का सूत्र आपको याद होना चाहिए, K·m = 1/2 mv², ठीक है। गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, वेग बराबर 2 m/s दे रखा है, आप 1/2 mv², जो कि गति ऊर्जा का सूत्र है, इसमें जब रखेंगे तो आपके पास 1/2 × 5 द्रव्यमान गुणा 2² जो कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब इस सवाल को करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, 1/2 × 5 और 2² अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 × 5 × 4, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, आप सोल्व करेंगे तो 10 J इसका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सवाल को अच्छी तरह सोल्व करना है, ये सवाल खूब पूछा जाता है, इस सूत्र को रट लीजिए, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। यदि वस्तु का वेग है 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यदि द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सब क्वेश्चन बार बार ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं नेवी एमआर के एग्जाम में, इसलिए 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइन को कर लीजिए बैच को, और नेवी एमआर की तैयारी करनी है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी अच्छा एजुकेशन लेवल है वो प्राप्त कर सके। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एक वोल्ट्स बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर पूछा है एक वोल्ट है वो किसके बराबर होता है,
तो आपने यदि पढ़ा होगा यानी कि वोल्ट के बारे में बात करें तो वोल्ट V होता है, V बराबर हमने देखा V का सूत्र V बराबर एक तो IR होता है, ठीक है, वोल्ट जो कि आपका यहाँ पर होता है विभव विभांतर होता है, ठीक है, जो कि और I और R यानी कि विद्युत धारा होती है, R इसका प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि वोल्ट के बारे में V बराबर इस सूत्र के अनुसार यदि हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार आपको डिस्कशन करना आवश्यक होता है। तो V के सूत्र आपको कई होते हैं, जैसे V बराबर आप यहाँ पर जो सूत्र होगा V बराबर W अपॉन Q होगा, यानी कि इस चीज में डिस्कस करें कि V बराबर W अपॉन Q यानी कि W है यहाँ पर कार्य, ठीक है, और जो कि कार्य किसको कार्य किस में नापते हैं आपको पता होगा V बराबर W अपॉन Q, कार्य को न्यूटन में, ठीक है, सॉरी कार्य को जूल में, और जो आवेश को कूलाम में नापते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक जूल अपॉन कूलाम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जूल अपॉन कूलाम आ जाएगा क्योंकि कार्य का जो मात्रक कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और इसके साथ ही कूलाम इसका उसका हो जाएगा। अब पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर इस सवाल के देखिए डेफिनेशन के अनुसार समझाएं तो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा जो भार होता है, पृथ्वी के जो सतही भाग है जिस पर हम रहते हैं वहां पर पृथ्वी का जो भार है वो सर्वाधिक होता है जहां पर हम रहते हैं 9.8 kg। यदि वस्तु के जितने ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं केंद्र की तरफ भार घटता है और जितना दूर जाते हैं उतना ही यहाँ पर भी घटता है, सबसे ज्यादा बहस ओनली इनकी सतह पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के केंद्र पर भार शून्य होगा। और यदि आपसे आप कई बार क्वेश्चन वस्तु के भार केंद्र पर क्या हो ये भी पूछा जा सकता है, या पर ये पूछा सकता है कि यदि हम उसके केंद्र से सतह की तरफ जाए तो भार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा, यदि हम सतह से ऊपर की तरफ जाए तो बढ़ेगा घटेगा, हर बार उल्टा सीधा करके इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, यदि वस्तु पर 2 newton का बल लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण होगा, लगभग हर शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दिया है द्रव्यमान m बराबर 5 kg और यहाँ पर f है बल बराबर 2 newton का बल है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बल लगता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो आप देखिए कि f बराबर ma इस तरह का पोर्शन होता है, यहाँ पर 2 और ये बराबर 5 आपका योजक द्रव्यमान गुणा a, जब आप करेंगे नीचे तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो आपको पता है कि 5 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके थोड़ी टेक्निकल यहाँ तीसरा ऑप्शन 0.4 है, ठीक है, इसको मान लीजिए तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5वां, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, नेवी एमआर में कई बार पूछा गया है और अब की बार ये सवाल 2020 का जो शिफ्ट हुई थी अभी गई है उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु का प्रतिरोध होता है, तो सीधी सी बात है जब किसी ताप बढ़ाने पर जब किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रतिरोध बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है, ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6, 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य कर रहा है, इसका प्रतिरोध होगा, ये आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में या तो अभी सोल्व कर दीजिए, इसका मैं सूत्र यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यानी कि आपको शक्ति दी गई है P बराबर, पहले आपको पहचानना है 40 वोल्ट क्या है, वोल्ट क्या है शक्ति, यानी कि 40 वो वोल्ट क्या है यहाँ पर डब्ल्यू वोल्ट की शक्ति, हाँ यहाँ पर वोल्ट है V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है, और P और V और हम देखे प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, आपने देखा कि P बराबर VI देखा है और V बराबर IR देखा है, आपने इस चीज को देखा है, यहाँ से हमें क्या करना है I गायब करना है, I गायब के तो V अपॉन R आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब इसको रखेंगे I की जगह स्थान में तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा, यहाँ पर V की वैल्यू भी है P की वैल्यू भी है, R की वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगले क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग, 1000 बार क्वेश्चन नेवी एमआर के एग्जाम में आज तक पूछा गया है जब से नेवी एमआर का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डेली हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह जब वस्तु जब क्या ध्वनि का वेग बढ़ा ताप बढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, कई बच्चे करते हैं घट जाता है, यहाँ पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन चलते हैं 8वां, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो 1000 बार नेवी एमआर में एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को सिलेबस पैटर्न समझाने की कोशिश है, इसी के इर्द गिर्द बार बार उठ के सवाल आते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो यहाँ पर देखिए आपने 10th class में यहाँ पर पढ़ा होगा, यदि मैं बात करूँ 10th class में तो प्रतिरोध का सूत्र आपने पढ़ा होगा R बराबर ρ L अपॉन A, ठीक है,
जो आर बराबर रो एल अपॉन ए, जो कि एक बार 11वां और 12वां चैप्टर में आपने पढ़ा हो, तो वहाँ पर क्या है कि आपने ध्यान रखा कि यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र हो गया आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो है प्रतिरोधकता, एल लंबाई, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर भी, और ताप बढ़ाते हैं तो आपने देखा कि चालक है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मतलब लंबाई पर भी, ताप पर भी, क्षेत्रफल, तो इनमें से सभी पर यह निर्भर करता है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वां, कार्बन का अपरूप जो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, बहुत ही बार बार एग्जाम में सवाल में पूछा गया सवाल है, कार्बन का वह अपरूप जो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट है वो हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ग्रेफाइट हो जाएगा जो सुचालक होता है। अब आपको 10 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जमगाता है कि सवाल देना है इसका जवाब, जो कि नेवा मार में खूब क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप देखते हो कि यहाँ पर ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, जो श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, परास्रव्य ध्वनि, ध्वनि के तीन रूप होते हैं, तो उनमें चमगादड़ कौन सी तरंग छोड़ता है अपने भोजन मतलब शिकार करने के लिए, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और अपश्रव्य ध्वनि, परास्रव्य ध्वनि और श्रव्य ध्वनि, इसके बारे में भी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कंटिन्यू बेस्ट तरीके से समझाया है, पूरा सिलेबस मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, और यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस है कल हमारी टेक्निकल टीम अपलोड करेगी, और इसके साथ ही आपका दायित्व बनता है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, एक शेयर बनता है यदि मेहनत हमारी अच्छी लगती है तो, ठीक है। यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन को जवाब दिया जाता है, समझा जाता है, हर एक चैप्टर को आपको अच्छी तरह एनालिसिस करना है, यदि नहीं भी हमारे में सिलेक्शन चाहना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।